जैन सभी को सामिन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4-5 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके समझा दूंगा ये और बहुत अच्छे तरीके समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं चैप्टर नंबर 5 के, हिस्ट्री के। उम्मीद करता हूँ सारे ही बच्चों को बहुत अच्छे लगे होंगे वो नोट्स, और नोट्स वगैरह भी दे दिए थे मैंने वीडियो के एंड में। और चलो देखते हैं यहाँ पे है क्या। इस जो चैप्टर था हमारा जनपद से साम्राज्य की ओर, उसका पार्ट 3 है ये, तो ध्यान से देखना। हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें वो है मौर्य साम्राज्य का उदय। यानी कि मैंने आपको बता दिया था कि मगध पर शासन करने वाले पहले हर्यंक वंश, फिर शिशुनाग वंश, ठीक है, फिर उसके बाद नंद वंश, फिर आया मौर्य वंश। यानी कि हम उनके बारे में तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, मगध पर शासन करने वाला महत्वपूर्ण वंश जो है मौर्य वंश, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या दे रखा है इस चैप्टर के अंदर इनके बारे में। तो मौर्य साम्राज्य का उदय, यानी कि अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। तो मौर्य कालीन स्रोत, यानी कि हमें मौर्य वंश के बारे में कैसे पता चला, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, वो हमें जानना होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो देखो, तो अशोक के अभिलेखों से, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए अशोक के अभिलेख थे। जैसे हड़प्पा की लिपि थी, सबको पता होगा हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक थी या वर्णमालीय थी, ठीक है। तो वो सारे बच्चे जो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो एक बार कमेंट जरूर कर देना कि हाँ, हड़प्पा की लिपि वर्णमालीय थी या चित्रात्मक थी, ठीक है, मैं वेट जरूर करूंगा। तो चलो देखते हैं, वैसी लिपि इनकी भी थी। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें कैसे कैसे मिली है, वो देखो चार तरीके हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख थे। अशोक दो अभिलेखों का, मतलब सॉरी, अशोक दो लिपियों का प्रयोग करते थे अपने अपने अभिलेखों में। तो पहली लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी खरोष्ठी लिपि, ठीक है। तो ये सारे बच्चे याद रखना, ब्राह्मी लिपि और कौन सी, खरोष्ठी लिपि, ये कई बार पूछ लेता है एक एक मार्क्स में, ठीक है। तो पहला जो स्रोत है मौर्य वंश को जानने का वो क्या हो गया, अशोक के अभिलेख हो गया, ठीक बा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, यानी कि जो बोल सकते हैं मौर्य वंश में प्रधानमंत्री रहे, या बोल सकते हैं चाणक्य नीति वगैरह आपने पढ़ी होंगी। तो कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सब लोग याद रखना। तो कौटिल्य जो थे उनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें भी मौर्य वंश का वर्णन किया गया है। तो दो स्रोत पता चल गए मौर्य वंश के जानकारी के, तो पहला था अशोक के अभिलेख, दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और तीसरा है मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक। मेगस्थनीज एक राजदूत हैं जो सेल्युकस के द्वारा भेजे गए थे, आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा था पहले वाले चैप्टर के अंदर, उसमें क्या नाम है, मेगस्थनीज को भेजा गया था, और यहाँ पर ये देखने के लिए भेजा गया था जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो संस्थापक थे मौर्य वंश के, कि उस टाइम पे वो क्या क्या कर रहे हैं, और जो सेल्युकस की बेटी थी हेलेना, उनकी मनोदशा क्या है या दशा क्या थी उस टाइम पे। तो उनको देखने के लिए भेजा गया था मेगस्थनीज को, कि आप जाकर देखो कि हाँ भाई क्या क्या हो रहा है उस साम्राज्य में, उनकी बेटी ठीक तो हैं। तो उनकी बेटी की शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, उसकी बहुत लंबी कहानियाँ आने वाले चैप्टरों में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। तीन बता दिया, 1, 2, 3, और चौथा था बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों से। बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों से हमें जानकारी मिल जाती है बहुत अच्छे तरीके से, किसकी, हमें मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश की जानकारी के मुख्य स्रोत मैंने बता दिए हैं आप लोग को, जो है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र, दूसरा है आपका मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक, जैन बौद्ध धर्म के ग्रंथ, और आपका जो अशोक के अभिलेख थे कौन सी लिपि में थे, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में, ठीक है, याद रखना ये। तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हमें पता चल गए हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखो, मौर्य कालीन राजवंश, यानी कि मौर्य जो है, मौर्य वंश जो है वो कैसे चला, स्थापना किसने करी, कौन कौन कैसे कैसे आया, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलो देखो सारे बच्चे कि मौर्य कालीन राजवंश क्या है, कि इसके जो संस्थापक हैं वो कौन रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 ईसा पूर्व तक ये रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो मतलब संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बेटे का नाम बिंदुसार, यानी बिंदुसार 297 से 267 तक इन्होंने शासन करा, ये चीज़ सबको याद रखना है, याद रखना सब लोग, ठीक है। बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद अशोक आए, अशोक का जो है समय कब तक रहा, 269 से 332,
ईसा पूर्व, तो ये सबको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई कि मौर्यकालीन राजवंश यानी कैसे कैसे जो है चलता आया। सबसे पहले स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर कौन आया? बिंदुसार आया। बिंदुसार के बाद अशोक, ठीक है। तो ऐसे ही शासन चलता रहा, ठीक है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों को जो है मार के शासन किया था। ये चीज याद रखना कि हाँ ये सत्य है असत्य है ये तो पूरी डिटेल में कोई नहीं बता सकता, लेकिन बौद्ध ग्रंथों बौद्ध परंपराओं से ग्रंथों से हमें ये पता चला है कि अशोक ने 99 भाइयों को मार के, अशोक के एक भाई थे जो सिमुक थे, तो इन्होंने जो है शासन वगैरह चलाया था सिमुक, और अशोक ने सिमुक जो है कश्मीर में और हमारे यहाँ पे मगध में ये अशोक थे, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा जो है बातचीत होती थी। और ये भी कहा गया है कई जगहों पे तो अशोक ने जो है सिमुक को भी मार दिया था, 99 भाइयों के साथ जो है सिमुक को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था और अशोक ने अपना पूरा साम्राज्य विस्तार कर लिया था, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई, तो अशोक के इसी घमंड की वजह से यानी कि इसी बोल सकते हैं आक्रोश की वजह से इनका अंत हुआ, यानी कि ये हर चीज़ छोड़ छाड़ के कहाँ चले गए थे? वनों में चले गए थे, इसी कारण की वजह से। अभी मैं एक और रीज़न बताऊंगा कलिंग युद्ध के बारे में, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारी 99 भाइयों का वध करके अशोक ने अपना शासन चलाया, ठीक है। उसके बाद अशोक ने 261 के आसपास कलिंग युद्ध किया था। कलिंग कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में। तो ये चीज़ याद रखना कि उड़ीसा में एक युद्ध किया, कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अशोक ने युद्ध छोड़ दिया था और फिर जो है बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए थे। इसका पीछे एक कारण है, बौद्ध धर्म यानी कि कलिंग युद्ध जब लड़ा अशोक ने, बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई हुई थी, इसमें नरसंहार खुल के किया गया था, मतलब बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हुई थी ये कलिंग युद्ध। यहाँ पे एक रीज़न इसका ये बताया जाता है कि कलिंग में जब अशोक उड़ीसा में मतलब किसी कार्य के लिए गए हुए थे तो वहाँ पे एक लड़की इनको पसंद आई थी, ठीक है। तो लड़की पसंद आई थी इनको तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सोचते थे काश उससे बातचीत करें, अच्छे से बातचीत करें, ठीक है। तो कलिंग जब पहुँचे ये उन्होंने उस लड़की से मुलाकात करी, तो जब बातचीत करी तो उन्होंने मतलब अशोक ने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो जब इतनी बात बोली तो उस लड़की का जवाब था, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय जब बीता तो लड़की को जब पता चला कि हाँ भाई अशोक जो है, पता चला वो बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो उसने इस शादी से इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद अशोक जो है अडिग थे, यानी कि अब भाई उन्हें करना तो करना ही था, ब्याह शादी ब्याह था ना। तो फिर क्या हुआ कि अशोक जो है इनके पिता से मिलने गए, लड़की के पिता से मिलने गए, तो लड़की के पिता ने साफ इनकार कर दिया ये बात बोल के कि कलिंग की लड़की सिर्फ कलिंग के ही लड़के से शादी कर सकती है, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो इस बात को देखते हुए अशोक तो काफ़ी ज़्यादा क्रोध आ गया। अब जब अशोक ने जब ये चीज़ तो ठान ही ली थी कि नहीं भाई शादी नहीं हुई तो कुछ भी नहीं, फिर यहाँ पर क्या हुआ कि अशोक जब आ गए लड़ाई वगैरह करने के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक खास बात जरा ध्यान से सुनना सारे बच्चे, कान यहाँ लाकर, ठीक है, कान कहाँ लाकर, यहाँ लाकर। तो अशोक ने जब लड़ाई वगैरह शुरू कर दी, नरसंहार शुरू कर दिया, गर्दनें काट दी लोगों की, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी युद्ध में लड़ाई करते 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 जब अंत में क्या हुआ कि जब अशोक ने एक मतलब जब लास्ट में युद्ध करा और गर्दन किसी की काट दी, तो बाद में थोड़े समय बाद जाकर अशोक को जब पता चला, अरे बाप रे ये तो उसी लड़की की गर्दन थी जिस लड़की से वो प्यार कर बैठे थे, उसी के चक्कर में तो लड़ाई हो रही थी, और आखिरकार उन्होंने देखा अरे भाई ये तो मैंने उसी की गर्दन काट दी। तो बहुत ज़्यादा आघात लगा, अपने भाई अपने प्रेम को मार देना आसान थोड़ी ना होता है। तो ये चीज़ अशोक को बहुत ज़्यादा बुरी लगी ये चीज़, और उसी टाइम एक रीज़न ये था कि भाई कलिंग का अगर युद्ध होगा, ये बात साफ बोल दी गई थी, अगर कलिंग का युद्ध हुआ तो उसमें स्त्री पुरुष बालक बुढ़ा बुढ़ी सब लोग शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से वो लड़की भी उस युद्ध में शामिल हुई और अशोक ने जाने अनजाने में जो है उसका गर्दन काट दिया। और जब बाद में पता चला अशोक को, तो उसका आघात बहुत ज़्यादा लगा अशोक को, और उसके बाद जो है अशोक ने सारी चीज़ छोड़ छाड़ कर चले गए वनों में, सब कुछ छोड़ दिया। इन्होंने क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए लाइक तो ज़रूर बनता है, प्लीज़ लाइक कर देना और सपोर्ट करना वीडियो को, ठीक है। आगे चलो देखते हैं, और ठीक है आगे देखो कि प्रचार प्रसार कर दिया। मौर्य वंश के अंतिम शासक भाई अशोक के बाद कौन आए? बृहदत्त आए, राजा बृहदत्त, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक माने गए। 187 ईसा पूर्व की का समय था। उसके सेनापति यानी कि बृहदत्त के सेनापति का नाम था पुष्यमित्र सुंग, यानी कि मैंने एक चीज़ बताया था कि
मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था, पिछली वीडियो में मैंने नाम दिया था, ठीक है, मौर्य वंश के बाद सुंग वंश आया। तो इसी सुंग वंश के एक सेनापति थे पुष्यमित्र सुंग, जिन्होंने वृद्धत की हत्या करी, मौर्य वंश का पतन कर दिया और उसके बाद जो है फिर जो है यह साम्राज्य खत्म हो गया, यानी मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया वृद्धत के बाद। और उसके बाद कौन सा वंश आया, सुंग वंश आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने आप लोग को समझा दी हैं। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर मतलब इसी चैप्टर के पार्ट 4 के अंदर। और बच्चों एक बात ध्यान से सुन लेना, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग को खुद पता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए और सारी चीज़ें आप लोग को इजी वे में पढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को और तरीके से सपोर्ट करना साइमन क्लास को भी, बहुत आगे जाना है, ठीक है, बहुत नाम कमाना है अभी, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगा और तरीके से पढ़ाऊंगा सारे बच्चों को अच्छे तरीके से। और पैसे वैसे मतलब ये टेंशन मत लेना कि हाँ व्हाट्सअप पे नोट्स ले लो, इससे नोट्स ले लो, ऐसा ले लो, इतने पैसे लगेंगे, कुछ भी नहीं। मैंने इसीलिए शुरू से जो है सारी तकलीफ़ें समझ के, बच्चों की सारी तकलीफ़ें समझ के मैंने क्या करा था कि अपने हाथ से नोट्स तैयार करे और उसको वीडियो के एंड में मैंने एज इट इज़ वैसे ही दिखा दिया, जिसमें कोई घपलेबाजी कोई धोखेबाजी नहीं करी। आप लोग खुद समझदार हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें तगड़े तरीके से, मज़ा आ जाए। चलो ठीक है, मिलते हैं इसी चैप्टर के देखो दिमाग ख़राब हो जा रहा है पार्ट 4 के अंदर मिलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद।